Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही interesting and important instrument के बारे में जो कि है आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है ये आपके नेट पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा अगर हम फोरेंसिक एस्पेक्ट से देखें तो उस पर्पस से भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या प्रिंसिपल रहता है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसका पूरा जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसका सीक्वेंस क्या रहता है, क्या कौन कौन से डिटेक्टर्स को यूज़ करा जाता है, एप्लीकेशंस क्या क्या रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड हर एक चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारे फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स का यूज़ करा हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है वो क्या होता है। सो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज़ अ सेंसिटिव मल्टी एलिमेंट एनालिटिकल टेक्निक। सो जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मल्टी एलिमेंट्स को एक साथ में डिटेक्ट कर सकता है। बेसिकली जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है वो एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़फुल रहता है। इसके साथ साथ किसी भी एलिमेंट में कोई भी आपका कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका अमाउंट क्या है उनको डिटेक्ट करने के लिए भी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करता है, ठीक है। जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो उसको NAA भी कहते हैं, ठीक है, उसको NAA भी हम कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूज्ड फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेजर माइनर ट्रेस एंड रेयर एलिमेंट्स। जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA होता है वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करता है, मतलब कि जो भी आपका एलिमेंट है उसकी क्वालिटी को भी आइडेंटिफाई करता है। उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है उसको भी वो आइडेंटिफाई करता है। ऑफ मेजर माइनर ट्रेस या फिर रेयर एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को बहुत ही इजीली न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की हेल्प से आप आइडेंटिफाई उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है वो 1936 में डिस्कवर किया गया था बाय हेवसे एंड लेवी। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है इसकी डिस्कवरी करी थी 1936 में। हेवसे एंड लेवी ने इसके बारे में उसको डिस्कवर किया हुआ था और इन्होंने फाइंड किया था, हु फाउंड दैट सैम्पल्स कंटेनिंग सर्टेन रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिकेम हाईली रेडियोएक्टिव आफ्टर एक्सपोजर टू अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इन्होंने जब ये डिस्कवरी कर रहे थे, ये कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने नोटिस किया जो सैम्पल्स रहते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जब उनके एक्सपोजर किया जाता है न्यूट्रॉन के सोर्स से तो वो बहुत ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कौन कौन से अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, 1936 में डिस्कवरी करी थी। हेवसे एंड लेवी ने मिलकर इसके बारे में डिस्कवर इसको किया था। तो यहाँ पर जितना भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको, जितना भी मैंने आपको हाईलाइट पोर्शन कर रखा है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से अपने याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं। So, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिटिकल टेक्निक्स इन दैट इट इज़ बेस्ड नॉट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बट ऑन न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। सो जितने भी बेसिक आपके और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है उन सभी में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन होता है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूव कराया जाता है, उसमें ट्रांजिशन होता है, उसके बेसिस पर हमको रिजल्ट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स से भी हो सकता है या फिर जो हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं लाइट सोर्स रहता है तो वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ट्रांजिशन जो होता है उसकी वजह से हम जो भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है हमको वो रिज़ल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पर जनरली जो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होता है उसके बेसिस पर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये डिफरेंट होता है क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है यहाँ पर आपके न्यूक्लियर ट्रांजिशंस होते हैं। दैट मीन्स जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका ट्रांजिशंस होता है, तो उसकी वजह से ये जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है, इसी वजह से इसका नाम भी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है वो एक्टिवेट होता है एंड उसके बाद में उसकी एनालिसिस करी जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम भी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है एंड यहाँ पर आपके न्यूक्लियर ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, NAA offers sensitivities that are superior to those attainable by other methods and are of the order of parts per billion or better। तो जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंड इसमें इतना ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी होती है जो अदर मेथड्स होते हैं उनसे भी ये सुपीरियर होता है एंड इसमें क्या रहता है जो आपका रिजल्ट रहता है वो पार्ट्स पर बिलियन या फिर और भी इससे बेटर रिजल्ट्स आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। Then neutron activation analysis is generally recognized as a referee method of choice when new procedures are being developed or when other methods yield results that do not agree। So neutron activation analysis में क्या रहता है, बाई चांस अगर आपने किसी भी सैम्पल का किसी भी एविडेंस का एनालिसिस करा है किसी दूसरे मेथड से और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलती हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो उसको आपको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, उसको आपको वेरीफाई करने के लिए जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है उसकी हेल्प से आप एक बार उसके हेल्प से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है वो आपको बताता है कि हाँ जो आपने पहले इंस्ट्रूमेंट से जो भी आपके रिजल्ट्स आए थे वो सही थे या नहीं। तो इसीलिए इसको हम रेफरी मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये आपके एक रेफरी की तरह काम करता है, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका सैम्पल रहता है, जो आपका सैम्पल होता है उसके ऊपर आपको न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराना होता है। बम्बार्डमेंट कराना का मतलब क्या रहता है, आपको उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स का एक बीम उसके ऊपर आपको डालना पड़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या रहता है, कुछ जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाता है क्योंकि उसके पास एक एडिशनल न्यूट्रॉन आ गया, इस वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ गामा रेडिएशंस को इमिट करता है एंड ये बेसिकली जो आपकी गामा रेडिएशंस होती हैं ये दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस, एक होती हैं डिलेड गामा रेडिएशंस। तो ये दोनों क्या होती हैं अभी हम आगे वाले इमेज में और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी रेडिएशंस होती हैं इनका जब हम डिटेक्शन करते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बात करें जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहती है तो उसके लिए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका एक सिलेंड्रिकल एक वेसल रहता है, इसके अंदर ये बेसिकली वेसल नहीं होता, एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, सिलेंड्रिकल रहता है। इसके अंदर आपके बहुत सारे इस तरह से काफ़ी सारे सैंपल को डालने के लिए एक लंबी लंबी सी पूरा रो रहती है जिसके अंदर आपको सैंपल्स को डालना रहता है विद द हेल्प ऑफ दी एक लंबी सी रॉड रहती है उसकी हेल्प से, ठीक है, उसकी हेल्प से उसमें डालना होता है। एंड सेंटर में इसके क्या रहता है, एक न्यूट्रॉन एक्टिवेटर होता है, मतलब न्यूट्रॉन सोर्स सेंटर में रखा रहता है जिसकी हेल्प से बाकी सारे जो सैंपल्स रहते हैं वो आपके सभी में वहाँ पर न्यूट्रॉन के एक्टिवेशन की वजह से वो सारे न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो उनमें जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी जब न्यूट्रॉन सोर्स रहते हैं तो वहाँ से न्यूट्रॉन इमिट होता है और वो न्यूट्रॉन बाकी जो भी आपके सैंपल्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये ऊपर से पूरी तरह से कम्प्लीटली क्लोज्ड रहता है एंड यहाँ से ये सारे सैंपल्स को अंदर डालने के लिए एक पूरा सिस्टम रहता है एंड इसके अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो रहता है आपका पैराफिन वैक्स पूरे सिस्टम के अंदर भरा रहता है, ठीक है। अभी अगर हम इसको इस तरह से डायग्राम देखें तो ये किस तरह से रहता है, अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इसमें क्या रहता है, ये मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे सैम्पल वेल्स हैं जिसके अंदर आपको सैम्पल की एक छोटी सी बॉटल रहती है, सैम्पल वायर्स रहते हैं जिसको आपको वो पूरी एक रॉड रहती है उसमें फिक्स करके उसके अंदर डालना होता है। एंड सेंटर में यहाँ पर आपका जो न्यूट्रॉन का सोर्स रहता है वो आपके सेंटर में रहता है एंड उस सोर्स की वजह से बाकी सारे वायर्स के तक आपका जो न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन जो इमिट करते हैं न्यूट्रॉन सोर्स की वजह से, वो सारे आपके सारे सैम्पल्स तक पहुंच जाता है एंड सारे ही सैम्पल्स में न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट की वजह से जो आपका न्यूक्लियस रहता है, जो भी आपके सैम्पल रहता है उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो आपका अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक ओवरऑल आपके न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड इसको डायग्राम से और अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, जब आपका न्यूट्रॉन सोर्स रहता है वो आपके न्यूट्रॉन को इमिट करता है। सो ये जो आपका इंसिडेंट न्यूट्रॉन होता है ये आपके टारगेट न्यूक्लियस पर जाता है। टारगेट न्यूक्लियस मतलब आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी आपका सैम्पल है उसके न्यूक्लियस पर जाता है। न्यूक्लियस पर जाने के बाद में ये एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसकी वजह से ये आपके पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपका अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल न्यूट्रॉन आ जाता है जिसकी वजह से ये कुछ रेस को इमिट करता है। ये जो रेस को इमिट करता है इनको हम बोलते हैं गामा, प्रॉम्प्ट गामा रेस। ठीक है, प्रॉम्प्ट गामा रेस को इमिट करता है। इसके बाद में जो आपका सैंपल का न्यूक्लियस होता है वो आपका रेडियो एक्टिव हो जाता है। अभी ये आपका रेडियो एक्टिव हो गया जिसकी वजह से ये बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा एंड साथ ही साथ इसमें जो रहती हैं आपकी डिलेड गामा रेडिएशंस भी इमिट होती हैं, इनको हम बोलते हैं डिलेड गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी दो तरह की रेडिएशंस थी, एक तो थी प्रॉम्प्ट गामा रे, दूसरी थी आपकी डिलेड गामा रे। ठीक है, ये आपका बीटा पार्टिकल एंड जो आपका डिलेड गामा रे थी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से निकलने के बाद में जो आपका लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ठीक है, इतना हो गया आपके पास। अभी आपको जब डिटेक्ट करना होता है तो आपको ये वाली प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस और ये वाली डिलेड गामा रेडिएशंस को प्रॉपरली एग्जामिन करना होता है, इसके बेसिस पर ही आप रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सो जो आपके यहाँ पर डिलेड गामा रेडिएशंस, इनका नाम डिलेड इसलिए है क्योंकि ये आपकी बाद में इमिट होती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं डिलेड गामा रेडिएशंस। और जो प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस होती हैं वो आपकी डिलेड वाली से पहले इमिट होती हैं, इसलिए उनको हम बोल देते हैं प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो ये एक आपका ओवरऑल डायग्राम होता है। इसका जो सीक्वेंस है आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो न्यूट्रॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर साइड में कई सारे आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड उसके सराउंडिंग्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले जो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वहाँ पर आपके जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ उसी का यूज़ करा जाता है, सिर्फ उसी के हेल्प से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं इसको पूरा जो सीक्वेंस रहता है, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है, आपका सबसे पहले जो सैम्पल रहता है उस पर न्यूट्रॉन सोर्स को इमिट कराते हैं। न्यूट्रॉन सोर्स के फॉर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज़ कर सकते हैं, आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि अल्फ़ा सोर्स के होते हैं। अल्फ़ा सोर्स के आइसोटोप्स जैसे कि आपका रेडियम हो गया, एमरेशियम हो गया, इसके साथ साथ जो आपका बेरिलियम होता है उसके एडिशन के साथ में इन अल्फ़ा सोर्स को यूज़ करा जाता है जिनको कि हम बोलते हैं आइसोटोप्स। इसके अलावा आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूट्रॉन सोर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन सोर्स। न्यूट्रॉन सोर्स को आपके जो सैंपल रहता है उसके ऊपर इमिट कराते हैं। सैंपल के ऊपर इमिट कराने के बाद में जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको आपको डिटेक्ट करना होता है डिटेक्टर की हेल्प से। डिटेक्टर के बारे में अभी हम और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डिटेक्टर में से आप डिटेक्ट कराते हैं, उसके बाद में आपको एम्पलीफाई करना होता है और जो भी आपकी रेडिएशंस आती हैं उनको और ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं ताकि आपका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। इसके बाद में जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम होता है, डाटा एक्विजिशन सिस्टम में आपको जितनी भी आपकी एनालॉग डिटेल्स मिलती हैं उन सभी को आपको एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की हेल्प से जो आपका पीसी, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर जो डेटा को, जो लैंग्वेज को समझ सकता है, उस लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट कराना होता है, दैट मीन्स उसको डिजिटलाइज करना होता है। उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आता है आपको उसको प्रिंटर पे, प्रिंटर से आपको उसका निकाल लेना होता है जो भी आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसीजर में क्या रहता है, जब आपका एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर रहता है तो आपका जब रिज़ल्ट जो आता है वो किस तरह से रहता है, उसमें आपके पास एक चार्ट के फॉर्म में डेटा आता है, उसमें अलग अलग सी पीक्स बनती हैं, इस तरह से कुछ सी पीक्स बनती हैं, जो भी आपका उसमें यहाँ पर पूरी एनर्जी दे रखी होती है। एनर्जी क्या है, कितनी एनर्जी तक आपका कितना मूव कर रहा है, यहाँ पर भी इस तरह से आपका एक डेटा रहता है। तो उसके बेसिस पर आपको पूरा आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि यहाँ पर ये पीक आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर ये एलिमेंट होगा, वहाँ पर वो एलिमेंट होगा, इसकी क्वांटिटी इतनी होगी, उसकी क्वांटिटी इतनी होगी, ठीक है। तो इस तरह जो चार्ट रहता है उसके बेसिस पर आपको हर चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर आपको पूरा डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन उसका करना होता है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सीक्वेंस, आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, किस तरह से आपका काम रहता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका पूरा सीक्वेंस रहता है यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का जो ये वाला सीक्वेंस रहता है, इस तरह से सीक्वेंस आपके कई बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके प्रॉम्प्ट गामा और डिलेड गामा रेडिएशंस थी, उसके बेसिस पर जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो आपका फर्स्ट वन रहता है वो होता है आपका प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PGNAAB कहते हैं। सेकेंड रहता है आपका डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DGNAAB कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस की, तो इसमें क्या रहता है, एलिमेंट्स दैट प्रोड्यूस स्टेबल आइसोटोप्स, ये जो रहते हैं इस तरह के एलिमेंट्स जो रहते हैं स्टेबल आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो आपका डिलेड गामा रेडिएशंस होता है, जो आपका डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है अनस्टेबल आइसोटोप्स को, ठीक है। वो अनस्टेबल आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो आपके प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस रहते हैं वो, उसमें जो मेजरमेंट किया जाता है वो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इरेडिएशन। इरेडिएशन मतलब कि जो आपका न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है उस टाइम पर आपका इसमें मेजरमेंट किया जाता है, जो भी रेडिएशंस इसमें निकल रही होती हैं उनकी। लेकिन जो आपके डिलेड गामा रेडिएशंस होती हैं वो बाद में निकलती हैं, इस वजह से इनका जो आपका वो आपका मेजरमेंट किया जाता है वो इरेडिएशन के बाद में लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस रहता है इसमें क्या रहता है, एलिमेंट का वीक डिके गामा रे इंटेंसिटीज़ रहती हैं। यहाँ पर जो आपकी गामा रे इंटेंसिटीज़ रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल मेथड होता है एनालिसिस का। ये जो मेथड रहता है आपका फ्लेक्सिबल होता है एंड यहाँ पर जो आपकी डिके गामा रेडिएशंस होती हैं ये वीक नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आपकी अगर हम बात करें जो प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है ये एप्लीकेबल होता है उन सारे एलिमेंट्स के लिए जिनकी जो हाफ लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है। लेकिन जो आपका डिलेड गामा रेडिएशन होता है वो उन सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी चाहे जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट हो, मीडियम हो या लॉन्ग हो, हर केसेस में आपका डिलेड गामा रेडिएशन यूज़फुल रहते हैं। अभी जो आपका प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन होता है उसमें जो आपका डिटेक्टर यूज़ किया जाता है वो होता है आपका प्लेनर डिटेक्टर। प्लेनर डिटेक्टर को यूज़ किया जाता है आपके प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस के केस में। अभी जो आपका प्लेनर डिटेक्टर होता है वो क्या होता है, ये एक तरह का आपका फ्लैट लार्ज और कलेक्शन सरफेस एरिया होता है, लार्ज कलेक्शन सरफेस एरिया होता है एंड इसको हम प्लेस कर सकते हैं सैंपल के पास में, इसको प्लेस किया जाता है। ये होता है आपका प्लेनर डिटेक्टर, ठीक है, जो कि आपके प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के केस में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की, तो यहाँ पर जो डिटेक्टर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेल डिटेक्टर। वेल डिटेक्टर इसमें आपके डिलेड वाले में यूज़ करा जाता है एंड इसमें क्या रहता है, इट सराउंड्स द सैम्पल विद अ लार्ज कलेक्शन सरफेस एरिया। ये जो रहता है सराउंड करता है सैम्पल को इसमें सराउंड करता है और काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वेल डिटेक्टर, जो कि आपके डिलेड गामा रेडिएशन गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो ये होता है आपके दो तरह के न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, प्रॉम्प्ट एंड डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं जो डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें जो आपके डिटेक्टर्स होते हैं जो कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में यूज़ करे जाते हैं, वो बेसिकली आपके तीन तरह के होते हैं। उसमें फर्स्ट वन है सिंटिलेशन टाइप डिटेक्टर, सेकेंड है सेमीकंडक्टर टाइप डिटेक्टर एंड थर्ड है आपका गैस आयोनाइजेशन टाइप डिटेक्टर, जिसमें से आपका जो सिंटिलेशन है एंड सेमीकंडक्टर है वो उसका यूज़ जो रहता है वो सबसे ज़्यादा मतलब कॉमनली उसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपके अगर हम बात करें सिंटिलेशन टाइप डिटेक्टर्स की, सो जो आपके सिंटिलेशन टाइप डिटेक्टर्स होते हैं ये यूज़ करे जाते हैं रेडिएशन सेंसिटिव क्रिस्टल के जैसे। मोस्ट कॉमनली इसमें जो रहता है थैलियम डोप्ड सोडियम आयोडाइड, जिसको कि हम यहाँ पर आपका इसका वो भी लिखा हुआ है जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NAI एंड फिर थैलियम। ठीक है, जो कि इमिट करता है लाइट व्हेन स्ट्रक बाय गामा फोटॉन्स, जब वो गामा फोटॉन से स्ट्रक करता है तो वो लाइट को इमिट करता है। एंड जो इस तरह के डिटेक्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है एंड अ रीज़नेबल रेजोल्यूशन होता है, इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटिलेशन टाइप डिटेक्टर के बारे में। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपके सेमीकंडक्टर टाइप डिटेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो सेमीकंडक्टर टाइप डिटेक्टर्स यूटिलाइज द सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट जर्मेनियम। यहाँ पर क्या रहता है आपका जर्मेनियम यूज़ करा जाता है, जो कि आपका सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट होता है। द जर्मेनियम इज प्रोसेस्ड टू फॉर्म अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव डायोड एंड व्हेन कूल्ड एट 77 डिग्री कैल्विन अप्रॉक्सीमेटली 77 डिग्री कैल्विन बाय लिक्विड नाइट्रोजन टू रिड्यूस डार्क करेंट एंड डिटेक्टर नॉइज प्रोड्यूसेज अ सिग्नल विच इज प्रोपोर्शनल टू द फोटोन एनर्जी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन। तो इसमें क्या रहता है जो जर्मेनियम यूज़ किया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव डायोड से, इसके बाद में उसको कूल करते हैं 77 डिग्री केल्विन पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हुए, ताकि जितने भी डार्क करेंट है डिटेक्टर नॉइस है वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से प्रोड्यूस करता है सिग्नल को जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं आपके फोटोन एनर्जी के और जो आपके इनकमिंग रेडिएशन होते हैं उसके फोटोन एनर्जी के आपके प्रोपोर्शनल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मेनियम, जो जर्मेनियम रहती है वो भी आपकी दो तरह की यूज़ करी जाती है। इसमें जो फर्स्ट रहता है वो रहता है आपका लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम डिटेक्टर। जो आपका जर्मेनियम डिटेक्टर होता है वो दो तरह के होते हैं, लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम एंड द हाई प्योरिटी जर्मेनियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HPGE लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट सिलिकॉन में ऑल्सो बी यूज्ड दैट जर्मेनियम इज प्रेफर्ड एज इट्स हाई एटॉमिक नंबर मेक्स इट मोर एफिशिएंट एट स्टॉपिंग एंड डिटेक्टिंग हाई एनर्जी गामा रेज। सो जो आपके जर्मेनियम रहता है जनरली सेमीकंडक्टर टाइप में जर्मेनियम को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं लेकिन जनरली जर्मेनियम को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है जो आपके गामा रेडिएशंस होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बोथ जर्मेनियम ड्रिफ्टेड लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GELI कह रहे थे, तो बोथ GELI, जिसको हम उसके जो अगर एब्रिविएशन के फॉर्म में कहें तो उसको हम जेली के नाम से भी कहते हैं। GELI तो आपका ये केमिकल नेम हो गया, बाकी कॉमन नेम जो है आपका जेली होता है एंड ये आपका फुल नेम होता है लिथियम डिटेक्टर लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम। ठीक है, एंड HPGE हाई प्योरिटी जर्मेनियम। ठीक है, डिटेक्टर्स जो रहते हैं इनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है एंड रेजोल्यूशन भी इनका बहुत अच्छा होता है। बट जो आपका जेली होता है GE LI डिटेक्टर्स आर अनेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे GE LI आपका डिटेक्टर यूज़फुल नहीं रहता है विद द लीथियम ड्रिफ्टिंग इनटू द इंट्रेंसिक रीजन रूइनिंग द डिटेक्टर। जो आपका लीथियम ड्रिफ्टिंग होती है वो आपके डिटेक्टर को पूरी तरह से ख़राब कर देती है, उसको बिल्कुल भी बेकार कर देती है। द डेवलपमेंट ऑफ अनड्रिफ्टेड हाई प्योरिटी जर्मेनियम हैज़ ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जो आपका हाई प्योरिटी जर्मेनियम है उसने इस वाली प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। तो जो आपका सेमीकंडक्टर टाइप डिटेक्टर होता है बेसिकली वहाँ पर आपका जर्मेनियम का यूज़ करा जाता है। जर्मेनियम आपके दो तरह के डिटेक्टर का यूज़ करते हैं जो कि लिथियम ड्रिफ्टेड जर्मेनियम है पहला, और दूसरा है आपका हाई प्योरिटी जर्मेनियम दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितना भी आपका हाईलाइटेड पोर्शन है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो टेम्परेचर है ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। अभी तक हमने सारे के सारे जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है वो किस तरह से काम करता है, इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं एडवांटेज के बारे में। तो जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस करता है, मतलब कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ में वो डिटेक्ट कर सकता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, दैट मीन्स जो भी आप सैंपल का डिटेक्शन करना है वो सैंपल आपका जो रहता है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, वो आपका सैंपल ख़राब नहीं होगा, आप उसको बाद में वापस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इसके अलावा यहाँ पर लो अमाउंट ऑफ सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सैंपल चाहिए होगा, आपके पास अगर सैंपल थोड़ा भी है तो उससे भी आपको रिजल्ट बहुत सही तरह से मिल जाता है। इसके अलावा मिनिमल सैंपल प्री ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर जो आपका सैंपल है उसको बहुत ज़्यादा प्री ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा न्यूट्रॉन सोर्स से आपको उसको बम्बार्डमेंट कराना होता है। इसके अलावा कुछ खास उसमें प्री ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, द रिफ्लेक्टिव फ्रीडम फ्रॉम मैट्रिक्स इफ़ेक्ट्स एंड इंटरफेरेंस। यहाँ पर जो आपका रिलेटिव फ्रीडम रहती है मैट्रिक्स इफ़ेक्ट्स को इफ़ेक्ट करती है, इंटरफेरेंस को, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा साइमल्टेनियसली डिटेक्ट करता है ऑल एलिमेंट्स को सैम्पल में, टाइम एफिशिएंट होता है फॉर एनालाइजिंग मैनी सैम्पल्स। तो ये सारे न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के एडवांटेजेस हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फुल एनालिसिस ऑफ लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लाइड्स इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो जो आपकी फुल एनालिसिस होती है जो बहुत लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लाइड्स होते हैं वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इसके अलावा इरेडिएटेड सैम्पल्स रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जिस भी सैंपल पे आप न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो वो कुछ टाइम तक रेडियो एक्टिव रह जाता है, तो इस वजह से काफ़ी सारे डैमेजेस और भी कॉज हो सकते हैं, जो यूज़ कर रहा है उसको तो उसके भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए ये भी आपका इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इंटरफेरेंस में अकर व्हेन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैम्पल हैव नियरली हाफ लाइफ पीरियड। जिनके जो हाफ लाइफ पीरियड होते हैं वो सेम होते हैं, तो उन केसेस में भी इंटरफेरेंस होने की कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो भी इस वजह से ये भी आपका एक डिसएडवांटेज हो जाता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का। इसके अलावा इट इज़ कॉस्टली इन कंपैरिजन टू अदर टेक्निक्स। अगर हम बाकी की टेक्निक्स से कंपेयर करें तो ये वाली जो टेक्निक है ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन फिर भी इससे जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है, और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होने की वजह से जो आपका डिसएडवांटेज है वो उसको ओवरकम कर लेता है। डिसएडवांटेज आपके कम हो जाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस हैं। सो जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है, अगर हम जनरल वे में बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेडिसिन, तो इन सारी फील्ड्स में भी आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम बात करें फोरेंसिक साइंस की, तो फोरेंसिक साइंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ बुलेट्स, पेंट्स, ग्लास, मेटल्स, सॉइल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसके अलावा रिविलेशन ऑफ गन शॉट रेसिड्यूज, GSR पार्टिकल्स मतलब होता है इसका। इसके अलावा यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए आपको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको सारे जो भी GSR पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकें इजीली। इसके साथ साथ जो आपके पेपर्स होते हैं, पेपर्स में उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। पेपर्स में जो क्ले यूज़ करी जाती है एज अ फिलिंग, मतलब उसको फिलर की तरह जो यूज़ करते हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। अप्रॉक्सीमेटली जितने भी तरह के आपको एलिमेंटल एनालिसिस करनी होती है, एलिमेंट्स का डिटेक्शन करना होता है किसी भी सैम्पल का, तो उसके लिए आप न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस रहता है आपके फोरेंसिक साइंस की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैंने पूरा ओवरऑल बता दिया है जो आपका न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी टॉपिक में, जो आपकी गामा रेडिएशंस होती हैं, जिसकी हेल्प से आप पूरे किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो क्या रहता है, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, आपके जो आइरिस रहती है, आइरिस नहीं सॉरी, जितने भी आपके फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। उसी तरह से जो आपकी गामा रेडिएशंस होती हैं, प्रॉम्प्ट और डिलेड गामा रेडिएशन, वो भी आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के बिल्कुल ही यूनिक होती हैं। हर एक एलिमेंट की जो भी गामा रेडिएशन इमिट करता है वो आपके डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके हेवेसी थे, जिन्होंने आपके न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को डिस्कवर किया हुआ था, उसके लिए इनको जो था हेवेसी को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था 1943 में केमिस्ट्री की फील्ड में। क्यों मिला हुआ था? क्योंकि इन्होंने स्टडी करी थी आइसोटोप्स में, केमिकल प्रोसेस में। इन्होंने जो केमिकल प्रोसेस थी वो आइसोटोप्स को पूरा रिलेट करते हुए उन्होंने बताया था, तो उसकी वजह से इनको जो है केमिस्ट्री की फील्ड में 1943 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये जो पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने भी आपके नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एक ना एक आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट रहता है इसको ज़रूर से अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको न्यूट्रॉन सोर्स के बारे में बताया था, तो न्यूट्रॉन सोर्स में मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं, इनको एज अ न्यूट्रॉन सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या रहता है, इसमें जो न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं तो वो अलग अलग तरह के, मतलब अलग अलग इंटेंसिटी के अलग अलग तरह के न्यूट्रॉन्स को इमिट करते हैं। इसी वजह से हम कुछ सिलेक्टेड सुटेबल एनर्जी वाले न्यूट्रॉन सोर्स को ही यूज़ करते हैं। इनसे जितने भी आपके न्यूक्लियर सोर्स न्यूट्रॉन सोर्स थे, इनसे जितने भी आपके थर्मल न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं उनका यूज़ करा जाता है बेसिकली इस आपके न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक में। ठीक है, इसके अलावा जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूक्लियस पर, आपका जो भी सैंपल का न्यूक्लियस होता है उस पर जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो उसमें क्या रहता है, आपका जो आइसोटोप रहता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिविटी या फिर इंड्यूस्ड एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर हम बाहर से कुछ न्यूट्रॉन्स को इमिट करा रहे हैं, हम उसको इंड्यूस करा रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम आर्टिफिशियल एक्टिविटी और इंड्यूस्ड एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल हर चीज़ बता दी है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी हो गई होंगी। और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। यहाँ पर आपके सामने लिंक दे रखी है, आप जिस लिंक पर क्लिक करेंगे एंड आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे एंड वो सारे बच्चे भी आपके इस वीडियो की हेल्प से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सके हैं। उन सभी को न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।